नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। 24 जुलाई 2022 आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के जन जागृति हेतु जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में रविवार को कभी खिलखिलाती धूप तो कभी शुष्क होते मौसम के बीच जिला मुख्यालय अनूपपुर स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में प्रातः 9 बजे से कलेक्टर एकादश और मीडिया एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, शासकीय सेवा, खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मैच प्रारंभ होने के पूर्व राष्ट्रगान हुआ, जिससे खिलाड़ी और दर्शक राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से लबरेज दिखे। रोमांचक मैच में कलेक्टर एकादश ने 4 विकेट से मीडिया एकादश को हराकर मैच के विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। कलेक्टर एकादश और मीडिया एकादश के बीच 10-10 ओवरों का मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। मीडिया एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मीडिया एकादश के खिलाड़ियों ने 10 ओवर में 90 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाबी पारी में कलेक्टर एकादश के खिलाड़ियों ने 10वें ओवर के अंतिम बॉल पर निर्धारित रन का लक्ष्य अर्जित कर विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। कलेक्टर एकादश की ओर से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुजान सिंह रावत और SDM अनूपपुर श्री कमलेश पुरी ने शुरुआती पारी खेलते हुए टीम को संबल दिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किए कलेक्टर एकादश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुजान सिंह रावत, SDM श्री कमलेश पुरी, नायब तहसीलदार श्री नीलेश ध्रुवे, जनपद कोतमा के CEO DK सोनी, नायब तहसीलदार श्री दीपक तिवारी, उपयंत्री सुश्री क्षमा सोनी, ऊर्जा विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री राकेश अंपुरी, आबकारी उपनिरीक्षक श्री कृष्णकांत उइके, लैब टेक्नीशियन श्री भाईलाल पटेल, पटवारी श्री हेमंत मराठी और पटवारी श्री विशाल मंडलोई शामिल रहे। इसी तरह मीडिया एकादश टीम में कप्तान श्री बीजू थॉमस, श्री आदर्श दुबे, श्री विजय उर्मलिया, श्री किशोर सोनी, श्री आकाश नामदेव, श्री अनीश तिगाला, राजू पटेल, आशुतोष सिंह, बद्री तिवारी, शीलू त्रिपाठी, शिवांशु यादव शामिल रहे। टीम बस नो बॉल और वाइड के कारण मुख्य रूप से उसको जीत पाई, वरना बिजू थॉमस जी बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और मैं निरंतर स्कोर बोर्ड भी देख रही थी ऐप पर और 5 ओवर तक तो अच्छा चला। उसके बाद मैंने देखा कि 2 हमारे जो वेटरन दिग्गज प्लेयर्स हैं दोनों आउट हो गए और उसके बाद में आउट पे आउट होते गए, तो मुझे भी थोड़ी चिंता हुई कि चलो देखा जाए, हारते हुए देखे अपनी टीम को, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे हम लोग जीत गए। लेकिन बहुत अच्छा, हारने जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत अच्छा एक माहौल, बहुत अच्छा एक वातावरण बना, सभी लोग हंसते हुए दिखे, दौड़ते हुए दिखे, एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से सभी लोग दिखे और यही इस मैच का उद्देश्य था। स्पोर्ट्स निश्चित ही ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, साथ लाती है और एक बहुत अच्छा मैत्री की भावना या सद्भावना की भावना को इनकलकेट करती है, को उजागर करती है सभी लोगों के बीच में। तो आज एक बहुत अच्छा संडे हम सभी लोगों का मना। अनूपपुर में सामान्यतः संडे के दिन बहुत ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, तो अच्छा रहा कि सब लोगों ने मिलजुल के ये कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अच्छा CEO जिला पंचायत और उनकी टीम ने पूरा आयोजन सुनिश्चित किया, सभी SDMs ने और सभी अधिकारियों ने हमारे, और मुख्य रूप से हम लोग ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में हर व्यक्ति एक झंडा 11 से 17 जुलाई के बीच में ज़रूर लहराए। हम सब देशभक्ति की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देशभक्ति को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन होता है और अधिकतर वो शासकीय कार्यक्रम तक सीमित होकर रह जाता है, तो हम सब एक छोटी सी इतनी सी चीज़ अपनी तरफ से कर सकते हैं कि एक तिरंगा अपने अपने घर पे लहराएं। तो हम जिले में तिरंगों की व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग उनको 30 रुपये 20 रुपये दे के प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन तिरंगों को बेचा जाएगा, उन लोगों की भी आमदनी होगी, तो उनसे आप प्राप्त करें। आने वाले समय में ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, विक्रय केंद्रों की जानकारी शेयर कर देंगे और ये
हर घर तिरंगा अभियान के पब्लिसिटी कैंपेन की श्रृंखला में पहला दूसरा ही कार्यक्रम है। 22 तारीख को हमारी साइकिल रैली हुई थी, आज एक मैच हुआ है और आने वाले समय में भी जनता के बीच में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हम और भी कार्यक्रम करेंगे। इसमें मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आप भी इस संदेश को लोगों तक पहुँचाएँ और बढ़ चढ़ के इस अभियान में पार्टिसिपेट करें। पुनः सभी लोगों को बधाई, हारने वालों को, जीतने वालों को, सबको बधाई इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, सबको बधाई, धन्यवाद।